हैं अपडेट मीडिया 24x7। हम आपको दिखाएंगे हर क्षेत्र से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। पीलीभीत फेसबुक पर की कमेंट को लेकर लोगों में आक्रोश। फेसबुक पर दूसरे सामुदायिक के बारे में गलत टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दूसरे समुदाय के लोगों ने कोतवाली में दी तहरीर। कोतवालीपुर ब्यूरोक्रेटसनपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने सिखों और मुस्लिम समुदायकों के लोगों के लिए अपनी फेसबुक की आईडी पर गलत टिप्पणी की है, जिससे सिख समाज में काफी आक्रोश है। व्यक्ति के द्वारा सिखों और मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसको लेकर सिखों में एक बड़ा आक्रोश है और काफी लोग एकत्र होकर आज पूरनपुर कोतवाली में तहरीर देकर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज उचित कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे कि इस तरह के भड़काऊ मैसेज ना डालें, जिससे एक समुदाय के दूसरे समुदाय लोगों में कोई गलत भावनाएं ना पैदा हों। नईम खान एडवोकेट साहब, आज थाने पे ज्ञापन दिया गया, क्या है पूरा मामला? इसमें ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि सुशील कुमार मिश्रा पंकज कॉलोनी का निवासी है, कोटेदार है, ये ज्ञात हुआ है। इसने सिख धर्मगुरु और एवं मुस्लिम धर्मगुरुओं के खिलाफ एक अशोभनीय टिप्पणी करी है, जो हम लोगों ने उस फेसबुक से उसकी शॉर्ट स्क्रीन लेके श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय को दी है कि इसमें सुसंजित धाराओं में मुकदमा कायम हो और उसकी गिरफ्तारी हो। कि एक दिन एक सुशील कुमार मिश्र है पंकज कॉलोनी के रहने वाले, उन्होंने फेसबुक पर सिखों और मुस्लिम समुदाय के बारे में गलत टिप्पणी की गई है। उसमें सिख और मुस्लिम भाईचारे में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और ये सारे सिख और मुस्लिम साम्राज्य यहाँ पर आज एकत्रित हुआ है और यहाँ पर एक तहरीर देने आए हैं कि हाँ, वो सिख और मुस्लिम को भावनाओं को भड़काकर आपस में दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहा है। उस बंदे पर उक्त धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजा जाए, नहीं तो हमें कोई और सख्त निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ेगा। इस समय किसी के आए यहाँ पर अभी हम लोग काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्र, पहले हमारी गुरुद्वारा ब्लैक रोड में एक सिख समुदाय की और मुस्लिम समुदाय की एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पर काफ़ी लोग एकत्र, 100-150 लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे। उनके द्वारा एक हमें आग्रह किया गया कि आप सबसे पहले एक तहरीर दी जाए पुलिस में, उसके बाद आगे कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो हमें खुद अपने स्तर से जाकर उसके घर का घेराव करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कोई भी सख्त जो कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे, पर अभी इंतजार करेंगे कि पुलिस का, कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हम उसका घर, एड्रेस, फोटो सारी संलग्न करके जो तहरीर दे रहे हैं उसमें सब कुछ जोड़ कर दे रहे हैं जी। अपडेट मीडिया के लिए पीलीभीत से मोहम्मद एजाज की रिपोर्ट।